सर पेशेंट फीमेल अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह बरकातहू मेरे भाइयों। देखो मेरा नाम मूसा है। ये रात में मेरे संगत ऐसा हादसा हो गया, वो जब्बार बोल के उसके संगत दो साथियाँ हैं तकलीफ़ा दे रहे नाजायज़ के। इससे पहले एक दो केसेस थे मेरे उसके संगत, तो उन्हें क्या है नाजायज़ के साथ फिरो बोल के तकलीफ़ा दे के मार रहे मेरे को। मैं 12 टेर की लारी चलाता हूँ, मैं इज्जत से जीना चाह रहा हूँ तो नहीं जीने दे रहे। मेरे को चाकू से मार दिए रात में जब्बार बोल के, मेरे को नाजायज़ के लेके जाके वहाँ पे इरा गुंडे की गली में बड़के झाड़ की जान से मार देने को देखे साहब। इससे पहले मेरी ये गर्दन पे उनके बड़े भाई मार दिए थे, अब छोटे भाई मेरे को यहाँ वार कर दिया। मेरे को नाजायज़ के जुल्मा कर रहे साथ फिरो बोल रहे साहब, मैं कुछ करके ना करा के। देखो मैं लोग फिरते आवारा चोरा है साहब, लोग नाजायज़ के तकलीफ़ा दे दे रहे फिरो साथ बोल के। सुने साहब ये नाजरा क्या है सक्सेसस कार्रवाई करो साहब। देखो इरा गुंडे में वहाँ मेरे को पूरे को मार देने को देखे साहब, मैं बच के भाग गया वहाँ से सीधा साहब लोगों के आगे ठहरा चंद्रान गुट्टे पे। साहब लोग मेरे को दुआखने को लेके गए साहब, इन लोगों के आज से सक्सेस कार्रवाई करो मेरे साहब, मेहरबानी आप लोगों की बहुत बहुत। मैं बालापुर पीएस में कंप्लेंट लिखा हूँ सुबह में जाके 6 बजे। रात में सरगल साहब आए थे उस्मानी यादव आखने को, सरगल साहब बालापुर के आगे मेरी वीडियो वीडियो निकाल के गए, उन्होंने आप कंप्लेंट दे दिया उसके नाम की। सक्सेस कार्रवाई करो साहब आप लोगों, मेरे ऊपर जब्बार अटैक करा, जब्बार यहाँ से चाकू से फाड़ दिया और उसके संगत दो जने थे कौन थे कि उसको ही मालूम सारा नाम, मैं उन लोग को नहीं पहचानता हूँ। जब्बार वो मेरे को देख के बिठा के आटो में मेरे पॉइंट थे, मैं पॉइंट लेके कपड़े लेके आ रहा था, मेरे को चाकू से मार रहे लोग मेरे पॉइंट रख लिए। मैं देखो रिक्वेस्ट चाह रहा हूँ उसको सस्ते सजा दियो साहब, आपके बहुत बहुत रिक्वेस्ट रहेंगी साहब लोग, आप लोगों को मेहरबानी हमारे सर्कल साहब ईसाई साहब लोगों को भी सर, आप लोगों को भी मेहरबानी मेरे सर। नहीं सर मैं शादीशुदा नहीं हूँ सर। अब क्या कर रहे हो? मैं लारी चलाता हूँ साहब। कल कितने बजे हुआ हादसा ये? कल शाम में 11-12 बजे के टाइम पे लेके जाके हमारे साहब लोग पी लेके थे साहब लोग, गोलियाँ वोलियाँ खा लेके थे नशे के। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह वबरकातहू। भाई मेरा नाम शेख फेरोज है, मैं आसिफ नगर के वो बार की गली में से जा रहा था, मैं और मेरा दोस्त गाड़ी पे जा रहे थे, तो हम लोग वहाँ पे जो है एक बहस हो रही थी वो देख रहे थे ठहर के। तो फिर उतने में देखने में जो है एक लड़का आया आके जो है एक वो लड़की एक लड़की है उनको जो है पीछे से ऐसा गले पीछे से आके ऐसा गले से बुलेट से गला काट दिया उनका। तो हम लोग देख के परेशान हो गए, वो लड़का मार दिया लेकिन कोई करीब नहीं आया उनके। तो हम मैं और मेरा दो लेडीज़ थी सर, दो लेडीज़ और तीन लड़के थे उनके भाई लोग, वो तीन लड़के और तीन लेडीज़ थे। तो हम लोग उनको वो लेडीज़ को जो है सीधा मैंने उठाया और मेरे फ्रेंड को गाड़ी पे बिठाकर हम लोग उसको लेकर आए। नगर पीएस को मैं लेकर गया तो साहब बोले कि डायरेक्ट हॉस्पिटल को लेके जाओ क्योंकि पहले ट्रीटमेंट कराओ, बोलने के बावजूद हम जो है सीधा डायरेक्ट मैं जो है उस्मानिया ऑटो में जो है बिठाकर उस्मानिया हॉस्पिटल लेकर आया। उस्मानिया हॉस्पिटल में लाने के बाद जो है मैं अब तक तो यहाँ ठहरा था, वो देख रहे थे वो ठहर कर। तो वो लड़का जो है पीछे से आया, वो लड़की को जो है वो लड़की लड़की से बात कर रही थी, तो उसमें से पीछे से एक लड़का आके ब्लेड से उनका गला काट दिया। मैं जो है लड़की के कपड़े थे, कपड़े दो पोटली कपड़े थे, तो वो लेके जाने के लिए आई थी लड़की बोल के बोल रहे थे। वो जैनब बता रही है, लड़की का नाम जैनब, जो लड़की का जो गला कटा है ना उसका नाम जैनब है। हॉस्पिटल में उस्मानिया।